इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाए। मित्रों, क्योंकि समय ऐसा विशेष है, इस समय विशेष में हम लोग सब लोग कुछ ना कुछ अपने बंधन अगर अपने ऊपर लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत लाभ मिलने वाला है। मैं तो एक ही बात हरियाणा सरकार की ओर से कह सकता हूँ कि जब मैंने अपने मित्रों से साथियों के सामने सब विषय रखे तो उन्होंने इसको बखूबी सहयोग करने का जो एक प्रकार से संकल्प दोहराया, जिसके कारण से मुझे बताते हुए आपको संतोष हो रहा है कि सभी 90 विधायक, उसमें 13 मंत्री हैं, 77 MLAs हैं, उन सब लोगों ने अपनी एक महीने की तनख्वाह सैलरी ये पूरी की पूरी कोरोना रिलीफ फंड के अंदर ये डाल दी थी। और न केवल इस एक महीने की सैलरी उन्होंने दी है बल्कि आगे एक साल अर्थात अप्रैल से लेकर अगली मार्च 2021 तक पूरे एक वर्ष 30% सैलरी का अपना कट लगवा दिया है कि 30% की सैलरी हमारी कम कर दी जाए ताकि सरकारी खर्चों को कम किया जाए। मंत्री बंधुओं से जब अलग से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो डिस्क्रिशनरी कोटा है, जो हम समय समय पर अपने हाथ में लेकर के खर्च करते हैं, ऐसी राशि जो 100 करोड़ रुपए से ऊपर है, उसमें से सब बंधुओं ने ये विचार किया कि हमको इस राशि को कम करना चाहिए। तो मुझे ये बताते हुए संतोष हो रहा है कि कुल मिलाकर सभी मंत्री, हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हमारे गवर्नर महोदय, सब लोगों ने मिलकर 51 करोड़ रुपए की राशि इस बार कम खर्च करने का और एक अपना संकल्प दोहराया है ताकि हमारे सरकारी खर्च में इसका एक प्रकार से बचत हो सके। ये सब काम किए हैं सभी बोर्ड्स के, कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी एक महीने की अपनी जो सैलरी है वो कंट्रीब्यूट कर दी है। XMLAs उनकी पेंशन, 42 XMLAs हैं जिन्होंने अपनी पेंशन का कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ XMLAs ऐसे हैं जिन्होंने पूरी की पूरी अपनी पेंशन एक महीने की ये इस बार कोरोना रिलीफ फंड में डाली है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे राजनीतिक लोगों ने कुल मिलाकर करोड़ों रुपए का कोरोना रिलीफ फंड में या सरकारी धन के अंदर जो एक प्रकार से बचत कराई है, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आजकल हमको पता है कि मंडियों में प्रोक्योरमेंट चल रही है, प्रोक्योरमेंट का समय ये भी किसान के लिए, हमारे मजदूरों के लिए, आढ़ती के लिए, ग्रामीण जनजीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक अवसर होता है। इसमें इस बार हमको थोड़ा कठिनाई आई है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, हमने इन मंडियों की संख्या ज़्यादा की है। पहली बार ये प्रयोग हुआ है कि गेहूँ 400 के बजाय 1800 मंडी और परचेज सेंटर्स के ऊपर ये कराया जा रहा है। स्वाभाविक है इतना विस्तार, चूंकि वहाँ किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी, नई व्यवस्थाएं बनानी थी, प्रारंभ के 2-3 दिन कठिनाई आना स्वाभाविक था। संयोग से वर्षा बीच में आई, ओले भी कई जगह पड़े, उसके लिए भी हमको सब कुछ संभाल करके अपनी व्यवस्थाएं ठीक करनी थी। कुछ आड़तियों के साथ भी हमारा एक विवाद हुआ था, बाद में उसको सुलझा लिया गया और उस सारे विषय को ठीक करते हुए हमारी प्रोक्योरमेंट बहुत ठीक प्रकार से चल रही है। अभी तक सरसों कुल मिलाकर 3,20,000 मेट्रिक टन ये खरीदी जा चुकी है। इसी प्रकार गेहूं 30 लाख से ऊपर मीट्रिक टन ये मंडियों में आ चुकी है। सरसों की पेमेंट प्रारंभ हो चुकी है, 527 करोड़ रुपए की पेमेंट दी जा चुकी है जो 47,000 किसानों को मिली है। गेहूं की ये जो पेमेंट है वो आज शुरू कर दी जाएगी आने वाले 2 दिनों में। जिन लोगों ने गेहूं 1-3 दिन पहले बेची है उन सबको गेहूं का पैसा ये मिल जाएगा। और इस प्रकार से इस सारे विषय को सारे सुचारू ढंग से हम लोग आगे करेंगे। मुझे